उत्तम चंद नारंग सनातन धर्मंदर प्रधान। उन्होंने रात को पंडित जी तो अपना ताला वाला लगा के जैसे टाइम के हिसाब से अपना ताले वाले लगा के चले गए थे, सुबह आके मेरे को अपना सुबह से दरवाजा खड़काया मोहित बजाज की मम्मी ने, तो आके बोला कि भी ऐसे ऐसे मंदिर के सारे ताले टूटे हुए हैं और सारी गुल्लक गुल्लक टूटे हुए हैं, जो पाँच छः गुल्लक थी जो नान पत्र मंदिर का आता था वो उतार के ले गए और DVC जो कैमरे का वो आता है उसको भी निकाल के ले गए हैं सारा। जो कैमरे के DVR लगा था चोर, क्या उसको भी ले गए? उसको भी ले गए DVR को। तो रात को ना रहे कोई, क्या रात को यहाँ कोई नहीं रहता मंदिर? रात को कोई नहीं रहता, रात को तो ताले लगा जाते हैं किसी साल से अपने लगा जाते हैं। तो जो मंदिर के पुजारी है वो भी नहीं रहते हैं? पुजारी भी नहीं रहते, वो अपने घर चले जाते हैं। तो सूचना मिलने के बाद क्या आपने पुलिस प्रशासन को फोन किया? वो अपना PCR वाले को फोन किया, तो PCR वाले आए यहाँ अपना, हमारे से अपना बयान ले गए और सारे कैमरे वैमरे फोटो वोटो खींच के हमारा जो नुकसान हुआ है उसके फोटो ले गए, तो ये बोल गए हमारे को चौकी में आके रिपोर्ट लिखवा देना। दान पत्र के अलावा और क्या सामान यहाँ पे चोरी हुआ है? और ऐसा कुछ नहीं गया, कोई TV का जो था वही अपना कैमरों का जहाँ था वो चला गया। तो क्या आने वाले समय में कोई सुरक्षा के उचित प्रबंध करे जाएंगे यहाँ पे? हाँ कोशिश करेंगे, बैठ के मीटिंग में जैसे होगा वो करेंगे, अपना चौकीदार की वो करेंगे व्यवस्था, जो चौकीदार रखा जाए अपना। सुबह जब आए मंदिर खोलने के लिए तो गेट का ताला टूटा हुआ था, फिर आगे बरामदे का ताला टूटा हुआ था, फिर मंदिर का मेन ताला टूटा हुआ था। अंदर आके देखा तो 3 गुलाब इकट्ठी रखी हुई थी, वो अस्त व्यस्त थी और उनके ताले टूटे हुए थे, उनमें जो भी दान राशि थी वो नहीं थी, और एक शनिदेव की जो गुलक है उसमें भी वो भी उसका भी ताला टूटा हुआ था, वो भी बेकार है। और जो कैमरे लगे हुए थे उनका जो बॉक्स होता है वो भी नहीं था। तो कहीं कोई जो अज्ञात चोर थे उन्होंने किस चीज़ से तोड़ा, क्या कुछ सामान उनका? मंदिर के अंदर एक सरिया पड़ा हुआ मिला है जो हो सकता है उससे उन्होंने किया। क्या कुछ जानकारी लग पाएगी जो अज्ञात चोर थे वो कहाँ से आए थे? बाहर कैमरे लगे हुए नहीं देखो।